गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 17 पढ़ेंगे, जो कि है बाज और सांप। इसके लेखक है निर्मल वर्मा। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय। लेखक का नाम, पूरा नाम निर्मल वर्मा। इनका जन्म हुआ 3 अप्रैल 1929 में शिमला में, और इनकी मृत्यु हुई 25 अक्टूबर 2005 में, और मृत्यु दिल्ली में हुई इनकी। इनके अभिभावक पिता नंद कुमार वर्मा थे। इनकी मुख्य रचनाएं रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टिन की छत, वे दिन आदि हैं। भाषा इनकी हिंदी रही। इनकी जो शिक्षा है वह सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से हुई, और शिक्षा में इन्होंने MA तक किया है इतिहास में। प्रमुख पुरस्कार इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 मिला। अब पढ़ते हैं पाठ 17, बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर शोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दो पात्र हैं, सांप और बाज। सांप समुद्र के किनारे एक ऊँचे पर्वत की अंधेरी गुफा, जहाँ पर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, उसमें रहता था। और समुद्र की जो लहरें हैं, तूफ़ानी लहरें, यानी कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली, वे लहरें धूप की में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। तो पर्वत के नीचे एक नदी भी बहती हुई आती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती थी। जो रास्ता था नदी का, वो उसमें आने वाले पत्थरों को तोड़ती, और इस टकराने की नदी की लहरें जो टकराती थी पत्थरों से, चट्टानों से, उससे बहुत ही तेज शोर होता था। तो ऐसी शोर मचाते हुए ये नदी बड़े ही जोर से समुद्र की ओर लपकती, यानी समुद्र की ओर बहती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती। तो जहाँ समुद्र की भी लहरें पर्वत की तरफ आती, टकराती थी चट्टानों से, और दूसरी साइड तरफ से जो नदी आती थी, तो वहाँ पर उस पानी के टकराने से झाग उत्पन्न होता था, और जो लहरें थी वो दूध के समान सफ़ेद झाग से दिखाई देती थी। उनके टकराने से, लहरों के टकराने से झाग उत्पन्न होता, और ऐसा लगता जैसे लहरें जो हैं वो सफ़ेद झाग सी है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो जो अंधेरी गुफा थी उसमें बैठा हुआ सांप, लहरों के टकराने का, समुद्र की जो लहरें थी जोर जोर से टकराती थी चट्टानों से, तो उन्हें, उनकी गर्जन को सुनता। इसके अलावा पहाड़ी बहुत ऊंची थी, तो उसकी पहाड़ियां बादलों में, आकाश में छिपती हुई दिखाई देती थी, तो उन पहाड़ की ऊंचाइयों को भी देखता, और टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाज़ों को भी सुनता, जो अपने तेज़ी से अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को तोड़ती हुई बहती थी। तो इन सब को सुनता, देखता, और मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन, यानी कि ये जो तेज़ आवाज़ हो रही है, एक तरह से बहुत ही झगड़े वाला इस तरह का जो दृश्य होता है, बहुत उसके आसपास होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है कि वह अंधेरी गुफा में बैठा रहता था, उसे कोई दुख नहीं दे सकता। इसके अलावा सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, क्योंकि और कोई भी वहाँ पर नहीं रहता था, तो वह उस गुफा का स्वामी मानता था अपने आप को, और न उसे किसी से ही कोई लेना था और न किसी को कुछ देना था।
तो न किसी से लेना न किसी को देना, यानी सबसे अलग थलग रहता था। दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। तो दुनिया की जो भाग दौड़ है, जो अफरा तफरी है और जो छीना झपटी है, एक मारामारी जो हो रही है, उससे वह दूर था। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था कि वह अकेला और शांति से सुख से रह रहा है अपनी गुफा में। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिर रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसने हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंच गया। तो ऐसे ही जब दिन गुजर रहे थे शांति से, तो एक दिन एकाएक यानी अचानक से आकाश में से उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज उस गुफा में आकर गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, यानी वह कहीं से घायल होकर आया था और जख्मों की वजह से यानी घाव की वजह से उसके पंख जो थे वो पूरे खून से सन गए थे, खून से लथपथ हो गए थे। वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था, यानी वहाँ तक उड़कर आने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ा। उसकी वजह से वह जोर शोर से यानी बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा था, सांसें बहुत तेज़ चल रही थी उसकी, अधमरा भी हो चुका था जख्मों की वजह से। और ज़मीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ ज़मीन पर लौटने लगा। अपने जख्मों की वजह से या थकान की वजह से जैसे ही वो ज़मीन पर गिरा, बहुत ही ज़ोर से उसने चीखा और पंखों को फड़फड़ाता हुआ उड़ने की कोशिश करता हुआ ज़मीन पर लौटने लगा। क्योंकि सांप के उस गुफा में कोई भी नहीं आता था, तो उसे लगा कि कोई पक्षी उस पर हमला करने के लिए आ गया। तो इस वजह से डर कर वह एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। तो डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन जब उसने बाज की हालत देखी तो उसे अंदाज़ा हुआ, भांप लिया यानी उसने महसूस किया या अंदाज़ा लगा लिया कि जो ये बाज है ये जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, यानी ये अपनी मृत्यु के करीब है और उससे डरना बेकार है। इसीलिए जो खुद घायल है और अंतिम सांसें गिन रहा है, अपनी मरने वाला है, उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, उसने थोड़ी हिम्मत की और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा। उसकी तरफ उस कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? तो जब उसने बाज को देखा सांप ने, तो वह समझ गया कि यह बहुत ही जल्दी मरने वाला है। तब हिम्मत करके वह उसके पास पहुंचा और उसकी तरफ थोड़ी देर देखता रहा। फिर जब उसे पूरा यकीन हो गया कि तो मरने वाला है और कोई नुकसान उसे नहीं पहुंचा सकता, तो वह मन ही मन खुश हुआ और उस सांप से बाज से बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली तुमने? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई। तो जब सांप ने बाज से पूछा कि तुम इतनी जल्दी मरने वाले हो, तो बाज ने एक लंबी आह भरी, गहरी सांस ली और बोला, ऐसा ही दिखता है कि यही लग रहा है कि मेरी जो आखिरी घड़ी है यानी मेरी मृत्यु आ पहुंची है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से जीवन से कोई शिकायत नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी खूब जी भर कर जो चाहा वो किया, इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई भी शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही भाई, मैं जी भर कर उसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम ज़िंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो बाज आगे कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई भी शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी खूब जी भर कर जी है, जी भर कर अपने जीवन को भोगा है। जब तक शरीर में ताकत थी, जब तक मैं उड़ने के लायक था, तब तक कोई भी ऐसा सुख नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। यानी कि मेरा सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं दूर दूर तक ऊंचाई तक उड़ना चाहता था और उसे मैंने भोगा है। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम यानी जो कभी ख़त्म ना होने वाली ऊंचाई है, उसको भी अपने पंखों से ना पाया हूँ। लेकिन तुम्हारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि सांप ज़मीन पर रेंगता है,
और उड़ना नहीं जानता, इसीलिए बाज कहता है सांप से कि तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, कि मैं तो उड़ आया हमेशा ऊंची उड़ाने भरी मैंने, लेकिन ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम कभी भी उस आनंद को महसूस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उड़ नहीं सकते। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो जब बाज ने सांप को बोला कि तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम कभी भी सांप जीवन में नहीं उड़ सकते, आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, न उस स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हो, तो सांप बोला कि आकाश, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? मैं क्या करूंगा आकाश को लेकर? आकाश में उड़कर आकाश में रखा ही क्या है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा आकाश है उसमें मैं रेंग नहीं सकता हूँ। तो भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो ये गुफा ही ज़्यादा अच्छी है और इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह है, और कहाँ हो सकती है ऐसी जहाँ मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मैं सिर्फ अकेला इस गुफा का स्वामी हूँ और पूरे आराम से रहता हूँ यहाँ पर, तो इसीलिए मेरे लिए ये गुफा ही भली है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है? अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब बाज ने सांप को कहा कि तुम्हारा दुर्भाग्य है तुम उड़ नहीं सकते, तो सांप मन मन सोचता है कि ये भी कैसा मूर्ख है जिसकी वजह से, उड़ने की वजह से जो मृत्यु के करीब पहुंच गया है, फिर भी यह आकाश में उड़ना चाहता है, यह भी कितना बड़ा मूर्ख है। उसकी मूर्खता पर हंसता है और सोचने लगता है कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है, कि जिसमें क्षमता है उड़ने की वह उड़ते हैं और जिनमें नहीं है वो रेंगते हैं, तो इसमें बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, और अंत में सबके भाग्य में मरना ही लिखा है क्योंकि आखिर में तो सबको मरना ही है, और ये जो शरीर है ये मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो इस बीच में कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई उड़ता है या कोई रेंगता है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। जब सांप ने कहा कि इसमें अंतर ही क्या है, और वहाँ जब आकाश में मैं उड़ भी नहीं सकता, तो मेरे लिए तो मेरी गुफा ही ज़्यादा अच्छी है, और उसकी मूर्खता के बारे में, बाज की मूर्खता के बारे में मन ही मन सोचकर हंसता है उस पर। तो बाज सिर उठाकर चारों तरफ देखता है कि वह कहाँ है, और जो गुफा है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और कई दरारों की वजह से उसमें चट्टानों से पानी टपक रहा था, और उसमें इतनी दुर्गंध फैली हुई थी कि जैसे कोई चीज़ वर्षों से वहाँ पर पड़ी पड़ी सड़ गई हो, क्योंकि वहाँ पर न ताज़ी हवा आने का रास्ता था और न ही सूरज की रोशनी आने का, बस अंधेरा और सीलन ही वहाँ पर था। इसी तरह से लेखक ये भी बताया है कि जो मन में नया करने के विचार जिसमें नहीं है, जो अपने जिस हाल में है उसी में खुश रहता है, उसकी हालत भी ऐसी ही होती है जैसे सांप सोचता है, यानी वो कुछ भी नया करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसा लगता है जैसे जो पुरानी सोच है वह उसी पे कायम रहता है और सड़ी गली जैसी अवस्था उसकी हो गई हो। आगे पाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। पाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई कि जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो गुफा की हालत देखने के बाद और अपने कमजोरी की वजह से, अपने लाचारी की वजह से बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी और उसने कहा कि काश मैं फिर से एक बार, सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। तो बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, यानी कुछ डर सा गया, घबरा सा गया।
और एक क्षण के लिए उसके मन में भी आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई कि जब उसने तड़पते हुए देखा बाज को और उसकी आकाश में उड़ने की इच्छा को, तो उसके भी मन में उस आकाश के प्रति, उसमें उड़ने के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है, आकाश में उड़ना इतना ही पसंद है, तो इस चट्टान के किनारे से जहाँ गुफा ख़त्म होती है वहाँ से ऊपर उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी भी ताकत बाकी हो, पैरों में यानी पंखों में और पैरों में, जिसकी ताकि तुम आसमान में उड़ सको और जो आखिरी इच्छा है वह तुम्हारी पूरी हो जाए। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, यानी एक बार तुम्हें कोशिश करके देख लेना चाहिए। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारों तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। तो जब सांप ने कहा कि एक बार कोशिश करके देख लो, हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी ताकत बाकी हो और तुम अपनी इच्छा पूरी कर सको आकाश में उड़ने की, तो बाज के मन में भी एक आशा जगी, हिम्मत मिली उसे और दूने यानी कि दुगने उत्साह से उसने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। यानी कैसे कोशिश करके वह चट्टान के किनारे जहाँ पर गुफा ख़त्म होती थी वहाँ पर वह पहुँच गया, अपने शरीर को वहाँ तक घसीट लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आँखें चमक उठी। उसको एक बार फिर से उम्मीद हुई कि मैं शायद उड़ सकता हूँ और फिर से अपने उस आसमान में जा सकता हूँ। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा और आखिरी कोशिश करते हुए उसने बहुत ही गहरी सांस भरी और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा।